फवाद चौधरी का कहना है कि अगर साइंस और टेक्नोलॉजी पर रखी जाए तो हम 25 सालों में तरक्की पजीर मुल्कों से निकलकर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में आ जाएंगे। बरए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि 1970 की दिहाई तक साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान तीसरी दुनिया के अक्सर ममालिक से बहुत आगे था। सानिया मशरक के पाकिस्तान के बाद पूरा फोकस दिफा पर चला गया। उस वक्त अमेरिका और चीन की तरह सिविल मिलिट्री इंटरफेस न बनाकर गलती हुई। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि ऐसा निजाम तश्कील दें कि सिविल मिलिट्री रिसर्च का इंटरफेस बने। फवाद चौधरी का कहना है कि रवा हफ्ते वजीर आजम को 30 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट प्लान पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे टैक्स स्ट्रक्चर की सिफारिश की है कि दुनिया भर से लोग टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के लिए पाकिस्तान की जानिब देखेंगे और मईशत तरक्की करेगी। वफाकी वजीर का मजीद कहना है कि अगर हुकूमत ने अपना फोकस साइंस और टेक्नोलॉजी पर रखा तो हम 25 सालों में तरक्की पजीर मुल्कों से निकलकर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में आ जाएंगे।